काफी समय से काफी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी आपके गुलाब के पौधे पर फूल नहीं आते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे पर इस तरीके से ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएं, तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए ज्यादा फूल लेने के लिए, तो हार्ड प्रूनिंग करने का जो सही समय होता है वो अक्टूबर से लेकर के लास्ट फरवरी तक का होता है। इस दौरान आप कभी भी अपने गुलाब के पौधे की इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। जब आपके गुलाब के पौधे पर हार्ड प्रूनिंग हो जाती है तो इस तरीके से काफ़ी सारी नई नई ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, और धीरे धीरे काफ़ी सारी ब्रांचेस हो जाती हैं और उन पर ज़्यादा फूल लगने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करना होता है, जिससे कि आपके गुलाब के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग हो, अच्छी ग्रोथ हो। तो यहाँ पर हम अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में ये रोज ब्लूम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करनी होती है। इसके अलावा जो भी अनवांटेड पौधे घास वगैरह होता है उसको निकालना होता है। उसके बाद में चारों तरफ आप इस फर्टिलाइजर को डाल दीजिए, और डालने के बाद थोड़ा पानी दीजिए। कुछ दिनों के बाद देखेंगे आप इस तरीके से फूल